स्वागत, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर असरदार, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। सबसे पहले बड़ा अपडेट आपको दे दें, राधिका खेड़ा के मामले में बड़ा अपडेट आया है। राधिका खेड़ा ने अपना बयान दर्ज करवाया है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने उन्होंने अपना पक्ष रखा है और ये कहा कि मैंने अपना पक्ष रख दिया है, प्रक्रिया चल रही है, बाद में बात करूंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए। आपने देखा मैं कितने मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हूं। और सुशील आनंद शुक्ला भी अपना पक्ष रख रहे हैं। बात करूंगी, अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। और ये नैतिक तरीका नहीं है कि मैं अभी आप लोगों से कुछ भी बात करूं। जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके बाद मैं स्वयं आप लोगों से बात कर, जब टाइम आएगा मैं सबसे बात करूंगी। अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। और ये नैतिक तरीका नहीं है कि मैं अभी आप लोगों से कुछ भी बात करूं। जो भी प्रक्रिया चल रही है उसके बाद मैं स्वयं आप लोगों, तो दरअसल राधिका खेड़ा से सभी रिएक्शन चाह रहे थे। ये तब की बात है जब वो अंदर जा रही थी, अपना पक्ष रखने के लिए जा रही थी। और आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश के पास आपको लिए चलेंगे, किस तरीके का अपडेट है, क्या कुछ अब तक हो पाया है। आकाश आपको नजर आ रहे होंगे। आकाश, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, राधिका खेड़ा विवाद मामले में अभी प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के सामने राधिका खेड़ा आई थी और उन्होंने अपना जो बयान है उनसे पूछताछ हुई और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। इसके बाद जो है सुशील आनंद शुक्ला पहुंचे हैं और दीपक बैज के कार्यालय में, उनके कक्ष में वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में जो है हाईकमान ने निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे में पूरे सबकी जो बयान है वो ले और इसमें जाँच की स्पष्ट रिपोर्ट जो है वो आला को सौंपे। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं और संगठन प्रभारी मलकी सिंह गेंदू हैं, ये बात कर रहे थे कुछ देर पहले ही। अभी राधिका खेड़ा जो है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से बाहर निकली है अपनी जो बयान देके। इसके बाद जो है सुशील आनंद शुक्ला यहाँ पे हैं और दीपक बैज के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जी, राधिका खेड़ा ने ये भी कहा था कि अभी बोलना ठीक नहीं होगा, मैं बाद में आप लोगों से जरूर बात करूंगी, मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हूँ। कहीं हमने ये भी सुना था कि बघेल कह रहे थे कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या वाकई कोई दोषी ढूंढा जा रहा है या डैमेज कंट्रोल चल रहा है? आकाश, जी बिल्कुल, जिस तरीके से जांच चल रही है, दोनों ही सीनियर नेता हैं और अपना अपना जो पक्ष है वो रख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि अभी जो चुनाव है और चुनाव के समय जिस तरीके से कांग्रेस में बखेड़ा खड़ा हुआ है उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो कांग्रेस पर पड़ेगा। तो ऐसे में संगठन नहीं चाहता है कि किसी तरीके से और विवाद आगे बढ़े, क्योंकि पहले भी जो है कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो बहुत फूटा है और इससे कांग्रेस को कहीं ना कहीं डैमेज पहुँच है। तो कहीं डैमेज कंट्रोल के लिए संगठन के बड़े नेता हैं और हाईकमान से जिस तरीके से निर्देश मिला है कि 24 घंटे में वो रिपोर्ट सौंपेंगे, तो एक तरीके से दोनों को समझाइश दी जा रही है कि किसी तरीके से विवाद और आगे न बढ़ाए। कारण यही था कि जब राधिका खेड़ा बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि समय आने पर मीडिया के सवालों का जवाब दूंगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली सियासी खबर, यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर जो सस्पेंस था आखिरकार वो खत्म हो गया। राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा दाखिल कर दिया, लेकिन अमेठी से चुनाव न लड़ने को लेकर वो बीजेपी के निशाने पर है। वहीं कांग्रेस राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने का बचाव कर रही है। जिस चिट्ठी का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था वो चिट्ठी आखिर आ ही गई। केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर वाली इस चिट्ठी में यह ऐलान किया गया कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे तो केएल शर्मा कांग्रेस की तरफ से अमेठी का मोर्चा संभालेंगे। प्रियंका के चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस अब खत्म हो गया है, वो केवल प्रचार की जिम्मेदारी संभालेंगी। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नॉमिनेशन भी दाखिल कर दिया है। रायबरेली में बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह से राहुल का मुकाबला होगा, जबकि अमेठी में स्मृति ईरानी के सामने किशोरी लाल शर्मा होंगे। राहुल के अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले पर बीजेपी ने ताबड़तोड़ निशाना साधा। पीएम ने उनसे डरो मत का हवाला देकर नसीहत दी, तो वहीं अमित शाह ने अपने अंदाज में तंज कसा। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं,
और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। मोदी जी ने तो एक ही बार ट्राई किया और चंद्रयान लॉन्च हो गया। ये राहुल बाबा नाम के यान को सोनिया जी 20 बार लॉन्च कर चुकी है मगर लॉन्चिंग इनकी सफल नहीं हुई। मैं यहां से रायबरेली का परिणाम बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह के सामने आप रायबरेली से प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं, मेरी बात लिख। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी राहुल के अमेठी छोड़ने का मुद्दा गरमाया। सीएम मोहन यादव के अलावा अरुण साव ने भी निशाना साधा। अब देखो ना, ये तो कांग्रेस के हालत है, एक लड़के हार के भागे और एक बिना लड़े भाग गए। अब ये वो जाने, उनका काम जाने, प्रियंका बड़े धूमधाम से ही थी, बिना लड़े भाग गई, अमेठी से भागे, वायनाड गए। अब वायनाड की जनता भी उन्हें भगाने वाली है और इसलिए पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली जा रहे हैं, पर रायबरेली की जनता तैयार बैठी है उन्हें विदा करने के लिए। रायबरेली से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे। उधर राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने का कांग्रेस ने बचाव किया, साथ ही जीत का दावा भी किया। शानदार फैसले हुए हैं, सब खुश हैं। राहुल चुनाव लड़े रायबरेली से, कार्यकर्ता उत्साह का संचार, लड़ाई देख रहे हैं, दोनों चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत। वो कौन दिखाने वाले? मैं आदरणीय आप नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल, पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया है। राहुल गांधी के रायबरेली जाने के पीछे कांग्रेस की रणनीति बताई जा रही है। मसलन रायबरेली कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट है। सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ती रही है। कांग्रेस के लिए इमोशनल फैक्टर है। 1980 के बाद गांधी परिवार यहां नहीं हारा। जीत का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा है। अमेठी से चुनाव न लड़ने की एक और वजह है, वो ये कि राहुल पिछला लोकसभा चुनाव यहां से हार गए थे। तो कुल मिलाकर राहुल रायबरेली से चुनावी मैदान में हैं और वो फिर से बीजेपी के सीधे निशाने पर भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को अपना वो नॉमिनेशन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री वाराणसी में। नामांकन से ठीक एक दिन पहले 13 मई को एक मेगा रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाराणसी में अंतिम चरण यानी 7वें चरण में चुनाव होने हैं। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री एक रोड शो भी करेंगे, उसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उससे ठीक पहले 13 मई को एक मेगा रोड शो होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाराणसी में अंतिम चरण यानी 7वें चरण में चुनाव होने हैं। इधर गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तेलंगाना से कांग्रेस के नेता अरुण रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फेक वीडियो मामले में स्पेशल सेल की यह पहली गिरफ्तारी है। सूत्रों के मुताबिक अरुण रेड्डी को पुलिस ने तेलंगाना से अरेस्ट किया। बताया जा रहा है कि अरुण रेड्डी स्पिरिट ऑफ कांग्रेस के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चला रहा था। इधर